तब इस कंट्रोवर्सी पर फाइनली बोले फहमान खान, सुबो संग अनबन पर किया रियायत। जी हाँ, क्या ही पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। वल हाल ही में सुबुल और तबिश को लेकर एक काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। जी हाँ, जहाँ तबिश जो है वो अपने सॉन्ग को लेकर कई सारे आरोप लगाते नजर आए थे सुबुल और उनके पापा पर, तो वहीं इन सब के बीच फंसे हुए थे फहमान खान। जी हाँ, फैंस को ऐसा लग रहा था कि फहमान जो है वो अपने फ्रेंड तबिश का साथ दे रहे हैं, बल्कि वो सुबुल का साथ नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अब फहमान ने इन सभी खबरों पर रिएक्ट किया है और बताया है कि क्या वाकई में सुबुल और उनके बीच अनबन चल रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि फहमान ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के दौरान जब फहमान से इस बारे में पूछा गया तो फहमान कहते हैं, कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच सब कुछ सही है। जो प्रोफेशनल चीजें होती हैं वो बहुत अलग होती है, जो दोस्ती होती है वो अलग होती है। मैं और सुबुल ऐसे लोग हैं जो दोस्ती तोड़ेंगे नहीं किसी वजह से। आवर फ्रेंडशिप मीन्स अ लॉट मोर देन द वर्क वी डू, एंड आगे पीछे जो चीजें होती रहेंगी वो अलग बात है। मुझे बस इतना कहना है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर दोस्त अगर सही हो और वो अपने बीच में होती है चीजें, लेकिन पब्लिक और दुनिया के सामने तो मैं उस दोस्त के लिए खड़ा रहूंगा। अब दो दोस्तों के बीच में अगर कुछ हो जाए तो सही का सामना करना पड़ता है, सही का साथ देना पड़ता है। मैंने भी इस बार वही किया है। हमारे बीच सुलह करने के लिए कुछ है ही नहीं, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। छोटे मोटे गिले शिकवे तो होते रहते हैं, दोस्ती में अगर झगड़े ना हो तो क्या ही फायदा। दैट्स हाउ इट इज एंड दैट विल बी फाइन इवेंचुअली। जी हाँ, फहमान का कहना है कि उनके और सुबुल के बीच फिलहाल सब कुछ ठीक है। वाल आपका क्या कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और टेलीविजन से जुड़ी हुई इसी तरह की ढेर सारी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।